इसे तरह मेरा एक दोस्त अख्तर ना है उसका, उसकी भी करियाने की दुकान, तो वो कोले ना वह एक दोस्त है बड़ा गरीबी बड़ा उनका बहन उठन का, वो कोले ना वह दोस्त जड़ा है ना आए दिन तकरीबन बैठे होता सी। वो पहले इस तू वो बंदा जड़ा है ना वो मिस्त्रियों का काम करता सी, यानी कि मकान वगैरह का बनाने का। एक दिन मैं मेरा दोस्त अक्सर कहता यार ऐसा ऐसा फलाना बंदा जड़ा वो अक्सर मेरे को आता है, तो वह कहता वह मन मैं इतने झट बहन दिया कर वह मैं ना कोई दुकान बनानी है, तो मैं चलो कोई दुकानदारी का जड़ा ना अंदाजा हो जाए। तो मैं उदू को इन्ना पूछना अपने दोस्त को अक्सर कोलों वह इन्हें कह दी दुख पुछ वह कह दी दुकान बनानी सू तो की करना सो, जे तो करियाने बनाना हो तो चलो तेरे को बहन बनता तो नाले पुछ वह बनानी कितने सू। खैर ये सारिया गल् मेरिया वोदी हुई उन्हें जाके उदू पुछा बाद मेरी अगर ना वाला कहत हुई तो मैंने कहता यार वो कहता मैं तो दुध दही की दुकान बनानी है, तो और मैं कोई भी नहीं कहता। मैं क्या यार दुध दही दे करियाने के ढेर सारा फर्क है, बाकी चलो तू उन्हू को दस पुछ बहन दिया कर तू जो कोई कैदा करन दे तू जे तेरा वो इतबार खिला। तो कहता बंदा तो ठीक ही लगता है, मैं क्या चलो ठीक है बहन दिया कर तू। गल मुख्तसर जी कि इस बंदे ने ना जड़ा मेरे दोस्त को बहुत ना इन्हें दुकान बनाया ली पहले जी ना दुद्ध जिसे दुकान बना ली, तो ये फिर ना अगे वादे का सोचन लग पाया कि अगे मैं हूँ के लिए करा तो के बनावा और नाल के रखा। ये अख्तर उन्होंने कहता यार इस तरह कर वह तू कद जड़ा ना दूसरा बंदा जो अख्तर को बहुत सी कहता यार मैं खाल ना लै वा कदे उन्हों कहना वा मैं जूसना नाल रख ला मिल्क शेक कदे कुछ कदे कुछ। एक दिन अख्तर उन्होंने कहता यार इस तरह व तू जो कुछ कहना है मैं पता तो नहीं, लेकिन ये कि दुध दही की एक ऐसी फील्ड है कि वो नाल तेरा कोई भी चलाना जड़ा ना खास कर इस तरह का काम जड़ी अगर खाले रखेंदा तो चूहे वगैरह आ जान दे वो तेरा दुध खराब कर दे ते तू अपना सोच लै जो कुछ करना है। अख्तर एक दिन ना उन्होंने वैसे छेड़न के दो दिन उन्होंने कहता है यार तू इस तरह कर नाल करियाना ही रख लै। वो कहता नहीं नहीं भाई जी करियाना टवाटा जो है तो मैं तेना रखना मैं हूँ इस तरह तो नहीं कर सकता ना। अच्छा यकीन कर इस गल पर कि उस बंदे ने एक रात नहीं कढ़ी दूसरी रात सौदा उन्हें ना बगैर अख्तर ना सलाह की बगैर वो कोई गल की करियाने का सौदा लिया के रख लिया। जिस करियाने का सौदा लिया के रख लिया तो हूँ अख्तर जड़ा वो एक जेन का मालक से बंदा उन्हें ना इनू जाके ना मुबारक शाह दी इन आखिर सुबह ठीक है चंगा किया जरा कर लिया ठीक हो गया वधिया काम। जिस इस तरह हो गया तो जड़े है ना हूँ अख्तर के गाहक वो दुकान के अगू जरा लंघ के आवे ना तो उन्होंने दाखले करे उन्होंने आके करे भाई इस तरह करो मैं भी दुकान बनाई है तो तुम सौदा मेरे को लिया करो तुम हल क्यों जाते हो। हूँ की गाहक जड़े ने इस तरह जवाब देंगे वह साडा उन्हें एक पुराना तलक है वो अठ दस साल तो दुकानदारी करता पाया इतने साढ़े को साडा उन्ना लैन देने तो तू हाली कल बहना पाया तो तू अज ही साडा राह खलोता है। गल कि इन्हें ना तकरीबन वन टू आल जितने भी बकोल अख्तर के जितने भी वो गाहक है ना पक्के खाते जिन्हें लगे या एक पक्का कस्टमर होंगे उन्हें सारे ना इन्हें घर जाके क्या वह वो दवाई तो बाद सौदा नहीं जो लैना सौदा तुम मेरे को लैना है तो खाते की भी कोई टेंशन नहीं जिस तुम पैसे दो करो तो मैं लल्ला करा सारा कुछ करा तो सौदा मेरे को लिया करो। हूँ सिस्टम इस तरह का हो गया कि बंदे ये घर जाने के बावजूद भी बंदे अख्तर को आते। ये सिर्फ गल इतनी है कि अगर अख्तर ने इस बंदे नू सारा सबक दिता सारा पढ़ाया इस नौबत तक लैन का तो अज वो बिल्कुल ना अख्तर की दुकान के सामने कह लो कि उसकी दुकान है कोई थोड़ी जिना ही फर्क है कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर सब तो वड्डी जड़ी उसने गल गलत की है कि जड़ा हर बंदे दे जड़ा अख्तर के गाहक ने उन्होंने घर जाके तो उन्होंने उम्मीदा करता उन्होंने सारिया ऑफर देता सारा कुछ करता पाया। इस गल हो गए तकरीबन ना जिस तरह टाइम गुजरद नौ दस महीने हो गए नौ दसा महीनों च उस बंदे का यही हाल हो गया कि वो सिर्फ दुध दही का दुध दही तो भी कह लो कि बस अल्लाह ही हाफज़ होया तो जोड़ा करियाना मारना सी तकरीबन खत्म ही करी बैठा। हूँ जोड़ा जाता है ना
ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਕੱਟ ਛੜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਝ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਵਿਚੈਣ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਠਾਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਲੋਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।